गोड्डा सिविल कोर्ट के बगल में पोस्ट ऑफिस से सटे दीवार के किनारे भीड़ भाड़ वाले इलाके में खुलेआम दिन दहाड़े बिक रहा है देसी शराब। हैरत की बात तो यह है कि उस सड़क से रोजाना प्रशासन के आला अधिकारी गुजरते हैं और कारगिल चौक से महज 100 मीटर की दूरी पर इस तरह खुलेआम देसी शराब का बिकना बेहद चौंकाने वाली बात है। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद लागू हुए आचार संहिता की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। जिले में हर तरफ के बॉर्डर पर खास निगरानी रखी जा रही है, लेकिन शहर के बीचों बीच इस तरह देसी शराब का बिकना एक आश्चर्य से कम नहीं। सूत्रों की माने तो लोग दिन दोपहर आकर शराब खरीदते और पीते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि दीवार के उस पार जहां पर ये शराब बिक रही है वहां पर बालिका उच्च विद्यालय है, जहां सैकड़ों बच्चियां रोजाना पढ़ने आती हैं। वहीं बगल में शराब का बिकना किसी अप्रिय घटना को आमंत्रित कर रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे ये कैसे संभव हो पा रहा है, ये भी एक गंभीर सवाल है। दुकान है, कितना दिन से बगल में शराब बिक रहा है? लगभग एक महीना से शराब बिक रहा है। प्रशासन खुद बैठ के पीता है तो प्रशासन देखेगी क्या? प्रशासन खुद बैठ के पीता है और जो है पिलाता है। यहाँ पे कोई जो है मना करने वाला नहीं, वो तो आप लोग आए तो कम से कम आज लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम देखे इसीलिए